कोरोना वायरस महामारी के चलते हालात काफी चिंताजनक हो चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। आम जनता से लेकर कई सेलिब्रिटीज इस महामारी की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गौर किया जाए फिल्म इंडस्ट्री की तरफ तो फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे भी इस महामारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। आए दिन बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में एक और दुखद खबर सामने आई है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि ब्राजील से एक दुखद खबर सामने आई है। ब्राजील देश के मशहूर सिंगर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेहद कम उम्र में सिंगर की गुजर जाने से सभी शोक में डूबे हुए हैं। फैंस को बेहद बड़ा झटका लगा है। इस दुखद खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि ब्राज़ील के मशहूर सिंगर एमसी केविन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। खबरों के मुताबिक सामने आया है कि एक होटल की पांचवी मंजिल से गिरने की वजह से एमसी केविन का निधन हो गया। महज 23 साल के थे एमसी केविन और 23 साल की उम्र में एमसी केविन इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि एमसी केविन की पत्नी सदमे में है और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने दुख को बयां किया है। एमसी केविन की पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि एमसी केविन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के एक होटल में रुके हुए थे। वहीं पुलिस भी इस घटना के बारे में जानकर हैरान है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि होटल में एमसी केविन का कमरा 11वीं मंजिल पर था। कहा जा रहा है कि इस होटल की पांचवी मंजिल पर उनके कुछ दोस्त रुके हुए थे और अपने दोस्तों से मिलने पहुंचे थे एमसी केविन और वह उस दौरान होटल की बालकनी में खड़े हुए थे जहां से वह अचानक गिर पड़े। एमसी केविन को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन एमसी केविन इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बीते 2 हफ्ते पहले ही एमसी केविन ने गर्लफ्रेंड डियोलेने बेजरा के साथ शादी की थी। डियोलेने एक क्रिमिनल लॉयर है और दोनों की सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी सामने आई हैं। दोनों की शादी की तस्वीरें देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।